जय गुरु जोहार। मैं अमृता दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज का ये लेसन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम और लेक्चर नंबर 64। ये भी MG1 पेपर का है, NAPC से रिलेटेड है। इससे पहले का एक जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों को बना के दिखाया था, उसमें भी आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन वो आधुनिक भारतीय जो आर्टिकल्स थे, प्रावधान थे, उनके बारे में कुछ रूपरेखा जो थी मैं उनके बारे में आप लोगों को बताई थी। लेकिन इसमें आपको जो एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम थी और कितने यूनिवर्सिटीज थे जिनमें हमारे भारतीय शिक्षण को आगे बढ़ाया गया था, उसके बारे में जानकारी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, वल्लभी और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अगर रही हैं, तो उनका शिक्षण केंद्र कैसा था, उनकी एजुकेशन सिस्टम्स कैसे थे, स्टूडेंट्स जो बाहर से विदेशी आते थे वो लोग कौन कौन थे, साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपर भाषाएं क्या क्या बोली जाती थी, किस तरह की पढ़ाई होती थी, संस्कृत के इसमें किस तरह की विशेषताएं थी, ये सारे चीज मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पढ़ाऊंगी आपको। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, इसके बारे में क्या क्या चित्रित किया गया है, क्या क्या बातों को इंगित किया गया है, ये भी आपको इस PPT में दिखाई पड़ेगी। जैसे कि आप इस PPT में आप देख पा रहे हैं, इसमें एक चीजें मेंशन की गई है कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो शिक्षा के आने को प्रमुख उद्देश्य बने, जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में शिक्षा का उद्देश्य या आधुनिक शिक्षा सिद्धांतिक अनुसार वर्णन नहीं कर पाता है, परंतु इसमें विभिन्न ग्रंथों में इससे संबंधित जो उल्लेख मिलते हैं उनके आधार पर प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य या आदर्शों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चरित्र का निर्माण, साथ ही साथ आप इसमें देख पा रहे होंगे चरित्र का निर्माण, दूसरा है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किस तरह से हुआ है, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान जो तैतरीय उपनिषद में आप लोगों को मिलती है, जिसके बारे में भी मैं वर्णित करूंगी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, सामाजिक सुख तथा कौशल की वृद्धि, शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसे रहे हैं, निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना, गुरुकुल पद्धति, ये सारी चीजें मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक साथ आप लोगों को बताऊंगी। एज वेल इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजों का भी जानकारी मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देख पाते होंगे कि यहाँ पर बहुत प्राचीन भारतीय जो कर्तव्य थे या फिर 18 जो शिल्प कला थी, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं, हम लोग अभी भी अपने कॉलेज में कल्चर में गायन, वादन, चित्रकला, गणना, नृत्य, गणना यंत्र, यहाँ पर गणना जो है यहाँ पर दो बार गणना हो गई है, शायद एक बार ही है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक मिस्टेक है मेरी साइड से, मुझे माफ कीजिएगा। यंत्र, मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा विधि, प्रशासनिक प्रशिक्षण, धनुवर्दीय एवं शिक्षा जो आज के डेट में नहीं है पर प्राचीन भारतीय, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी मार्शल आर्ट्स और ये सब सिखाया जाता है, हम लोग के कॉलेजेस में भी ये अभी 2 साल से सिखाई जा रही है। तो यहाँ धनुर्विद्या का मतलब धनुष्वान नहीं है, इनफैक्ट हम लोग के टाइम थोड़ा सा मॉडर्निटी अपनाया गया जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज को ज्यादा तवज्जो दिया गया, जिसमें जादूगरी भी है। सर्प विद्या तथा विष दूर करने की विधि भी प्राचीन भारतीय काल में थी, छिपे हुए धन के पता लगाने की, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये आर्कियोलॉजी का भी एक पार्ट है, जिसकी पढ़ाई ऐसा नहीं है कि अब मॉडर्न एरा में नहीं होती, इसकी भी पढ़ाइयां होती हैं हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में, इसके बारे में जानकारी आपको बाद में मिल पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर इस समय आपको ये भी मैं बताऊंगी कि ये जो सबसे पहला जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो किस तरह था। तो मैंने ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है वो मैं दो तरीके का मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहेगा कि आपको अगर 4 भागों में अगर डिवाइड करके बोला जाए कि विश्व का पहला भारतीय विश्वविद्यालय क्या था, तो आप तक्षशिला को टिक मार सकते हैं। ये गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला में स्थित है, ये भी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं कि तक्षशिला कहाँ पे है। तक्षशिला हिंदू व बौद्ध दोनों प्रमुख केंद्रों का एक पात्र मात्र माना गया है। तक्षशिला में धर्मराज स्तूपा भी बनाया गया है। गांधार प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, मगर तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख सर्वप्रथम रामायण में मिला है। ये भी आपके सवालों में आते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1000 ईसा पूर्व राम के भाई भरत ने की थी, मगर इसके प्रशासक अपने पुत्र तक्ष को सौंप दिया गया था, अतः तक्ष के नाम से ही इसका नाम तक्षशिला पड़ा। ये भी एक इतिहास का एक इम्पोर्टेंट सवाल रहता है जो अक्सर पूछा जाता है कि इसके इतिहास के बारे में कुछ आप बातों को इंगेट करें। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला को सबसे पहले जनरल कनिंघम ने खोजा था तथा यहाँ उत्खनन 1912 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। जातक कथाओं, ये जो एक ऐसी जगह है ग्रंथ, ये जातक ग्रंथों के बारे में भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जातक ग्रंथों के बारे में बताएं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जातक ग्रंथों में भी तक्षशिला का उल्लेख मिलता है तथा इसकी जानकारी त्रिपिटकों में भी पाई जाती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि तक्षशिला की शैक्षिक व्यवस्था कैसे थी। तो तक्षशिला के विद्यालय विश्वविद्यालय में कुल 10500 विद्यार्थी पढ़ते थे। इसमें एक आचार्य के पास सामान्यतः 100 विद्यार्थी शिक्षण ग्रहण करते थे। कभी कभी इनकी संख्या 500 यानी 500 तक पहुंच जाती थी। तक्षशिला में केवल दवेच वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षण ग्रहण करते थे। धोन साक जातक के अनुसार संपूर्ण देश से ब्राह्मण व क्षत्रिय के लड़के तक्षशिला में पढ़ने आते थे, यानी कि इस वर्ग में जो रहते थे वो थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। तक्षशिला में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु सामान्यतः 16 थी। तक्षशिला में विद्यार्थी आचार्यों के घर पर ही रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। ये विद्यार्थी 3 प्रकार के थे। ये भी सवालों का ही एक केंद्र है कि यहाँ पर किस तरह के विद्यार्थी आते थे या इनके प्रकार किस तरह के थे। तो इनके 3 प्रकार थे, आचार्य, भागदायिक। भागदायिक यानी क्या, मतलब वे विद्यार्थी जो आचार्य को शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आचार्य को भाग यानी शुल्क देने वाले शिक्षक आचार्य के घर में ज्येष्ठ पुत्र की तरह रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह शुल्क 1000 करपाशन या करशापन, ये जो आपको वर्ड मिल रहा है यहाँ पर बहुत सारी जगह में करपाशन भी रहती है लेकिन करशापन बताया जाता है, ये शुल्क होती है। सेकंड है आपका धमनेत वार्षिक, ये जो एक वर्ड है धमनेत वार्षिक, ये विद्यार्थी जो आचार्य को शुल्क देने में असमर्थ होते थे। इन विद्यार्थियों की स्थिति धर्म शिष्य की होती थी। ये आचार्य की सेवा करते हुए विद्या प्रारंभ करते थे। ये दिन में गुरु की सेवा करते थे, रात्रि में ये शिक्षण ग्रहण करते थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सवाल भी रहते हैं कि ऐसे विद्यार्थी किस तरह के होते थे और इन्हें क्या बोला जाता है। तो धमनेत वार्षिक, ये आप थोड़ा सा अगर काट काट के अगर संधि विच्छेद करके आप बोले तो शायद मुझे लगता है कि प्रोनंसिएशन बहुत बेहतर तरीके से आएगी। बाद में थर्ड है बाद में शुल्क देने वाले विद्यार्थी, ऐसे शिष्य जो प्रतिज्ञा करते थे कि वे पढ़ाई समाप्त करने के बाद आवश्यक शुल्क चुका देंगे। इसमें इम्पोर्टेंट एक नोट भी मैंने आप लोगों के सहूलियत के लिए बनाया है कि तक्षशिला में ऐसे भी आचार्य थे जिन्हें निर्वाह के लिए राज्य की ओर से भूमि प्रदान की जाती थी। वे उस भूमि को आय से विद्यापीठ चलाते थे। ऐसी भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये भी सवाल आते हैं कि ब्रह्मदेय किसे कहते हैं या क्या है ये, इसके बारे में कुछ समीक्षा करें। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने ऐसे अध्यापकों का उल्लेख किया है जिन्होंने राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था, उसे पूजा वेतन की संज्ञा दी गई थी। तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि इसका माध्यम क्या था यानी लैंग्वेज क्या था, तो संस्कृत था। और लेखन में ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि दोनों लिपियों को प्रयोग किया जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स सब है जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आता है, साथ ही साथ आप लोगों से इंटरव्यू बोर्ड में सवाल में भी पूछा जाता है कि तफसीला में राइटिंग में क्या थी, बोली क्या जाती थी, लिपियाँ क्या थी, तो ये आपके लिए सहूलियत होगा आपको बताने के लिए। तक्षशिला अपने धर्म निरपेक्ष अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। शिक्षा का उद्देश्य स्वांत सुखना की उपाधि प्राप्त करना था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में 60 से अधिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे भाषा विज्ञान, कृषि विज्ञान, योग्य विज्ञान, व्याकरण, खगोल शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म शास्त्र, इतिहास, शल्य चिकित्सा, मनोविज्ञान, भूगोल। आप इससे समझ पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई कितनी उत्तम कोटि की उस टाइम थी। साथ ही साथ इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने की अवधि सिर्फ 8 वर्ष थी। 8 वर्ष काफी रहती है कहीं पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या तथा वैद्ययक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा भी होती थी। तक्षशिला के विद्यार्थियों को भोजन में मुख्य रूप से चावल दिया जाता था। साथ ही साथ इसके अलावा प्रतिमाह घी, तेल और अन्य खाद्य पदार्थ भी दिए जाते थे। स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख जो व्यक्ति थे, इनके बारे में भी पूछा जाता है कि कौन कौन ऐसे आचार्य थे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए। वो थे अश्वघोष, कौटिल्य, जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौशल नरेश, प्रसेनजीत, चरक, काशी का राजकुमार, ब्रह्मदत्त, वसुबंधु, पनिनी, कश्यप, मातंग, कुमार जीव, विष्णु शर्मा। ये ऐसे लोग थे जो तक्षशिला से आपको ज्ञान प्राप्त किए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बनने वाला आचार्य, जिसमें मैं फिर से इसमें आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, कौटिल्य, चरक, विष्णु शर्मा, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको मेंशन किया, कुमार जीव ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शल्य चिकित्सा यानी सर्जन की शिक्षा प्राप्त की थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में अक्सर सवाल रहते हैं कि इनके बारे में आप बताएं कि कुमार जीव कौन थे। तो ये जो कुमार जीव थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा यानी सर्जन की शिक्षा प्राप्त किए थे। मगध के सम्राट बिंबिसार के राज वैद्य या गौतम बुद्ध के चिकित्सक जीवक ने भी तक्षशिला से चिकित्सा शास्त्र और शल्य शास्त्र के शिक्षा ग्रहण की थी। जीवक बाल रोग विशेषज्ञ भी थी। ये जो शल्य शास्त्र का मतलब होता है प्लास्टिक सर्जरी, जो हिंदी में अक्सर लोग शायद सुनते हैं और समझ ना आए, तो इसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं आज के न्यू एरा में। अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा भी दी जाती थी। 5वीं शताब्दी में हून आक्रमण ने तक्षशिला को नष्ट कर दिया, मगर विद्या केंद्र को हानि शकों यानी जो शक जो आए थे उनसे पहुंचाई गई थी। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास या समाज को जानने के लिए बहुत बड़ा अफसोस था, आघात था, बट यही इतिहास है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के निकट आधुनिक बड़गांव में है, जो वर्तमान के बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम शक्रादित्य ने 450 ईस्वी में की थी। नालंदा पहले एक छोटा सा बौद्ध विहार था। गुप्त वंश के शासकों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसमें कुमार गुप्त प्रथम, नरसिंह गुप्त, बालादित्य तथा बहुगुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग ने नालंदा का वर्णन किया है। यह 14 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 6 विहारों का समूह है। मैं आपको बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट का ये मानना रहता है कि अगर समझा दिया जाए तो काफी अच्छा, लेकिन बात यह है कि नोट्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समझाने में क्या होता है कि आपको स्पेलिंग लिखना कैसे है वो समझ में नहीं आता, उसमें विद्यार्थियों को काफी कमी आ जाती है लिखने में। सेकेंड थिंग यह है कि ये नोट्स का भी एक अच्छा जरिया हो जाता है कि क्या लिखी है मैं उस हिसाब से अपने नोट्स को, उस हिसाब से नहीं तो उससे और बेहतर तरीके से लिख पाऊं। तो इसीलिए लिखना, समझाना, बोलना सब कुछ हमारे इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप लोगों को मिल गई है, और जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी।
साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नालंदा का जो भवन था वो विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्र के चारों ओर ईंटों की बनी हुई एक ऊंची दीवार थी। इसमें भव्य प्रवेश द्वार थे, इसके भीतर विश्वविद्यालय के भव्य भवन रहते थे। इस महाविद्यालय के 8 भवन थे। इसके अलावा महाविद्यालय में 300 छोटे कमरे थे जहाँ प्रतिदिन व्याख्यान यानी पढ़ाई जाती थी। इसमें आचार्य, पुरोहितों और प्रचारकों के निवास के लिए 4 मंजिला भवन था। विद्यार्थियों के निवास के लिए अलग अलग भवन भी बनाए गए थे जिनमें अध्ययन की व्यवस्था की गई थी। इस महाविद्यालय में लगभग 12 मीटर ऊंचा तथा भव्य बौद्ध मंदिर भी थी। ह्वेनसांग ने इसे स्वयं देखा था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय भी था। इसको धर्म गंग कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म गंग नालंदा विश्वविद्यालय में किसको कहते थे, तो ये आपको काफी फ्यूचर में हेल्प करेगा इंटरव्यू बोर्ड में। पुस्तकालय का भवन 3 मंजिला था। इसके नाम रतन सागर, रत्नोदधि और रतन रंजक माना गया है या फिर लिखा गया है। रत्नोदधि, ये जो आप वर्ड आप सुन रहे होंगे, ये रत्नोदधि, ये भवन 9 मंजिले का था जिसमें धार्मिक और तांत्रिक ग्रंथों का संग्रह था। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके नेट के एग्जाम में भी ये सवाल आए थे और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अक्सर नॉर्मल बोलचाल में अगर नालंदा के बारे में बोला जाए तो छोटी मोटी चीजों को ही उल्लेखित किया जाता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके आम बोलचाल में नहीं आते हैं लेकिन बड़े बड़े एग्जाम्स में जरूर आ जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध भिक्षुओं के निवास व अध्ययन के लिए पृथक भवन कक्ष बनाए गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्या था उसमें। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्वाह का भार, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस तरह का जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना गया तो इसका भार किस तरह से होता था, किस तरह से इसे उपयोग में लाया जाता था, इसको पूरी तरह से मेंटेन कैसे करके किया जा सकता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इसके निवास, वस्त्र, चिकित्सा सभी निःशुल्क थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी निवास करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके अलावा 1,500 से अधिक शिक्षक, आचार्य और विद्वान भी यहाँ रहते थे। ह्वेनसांग के अनुसार विश्वविद्यालय का खर्च शासकों एवं अन्य यात्राओं द्वारा दिया जाता था जो यात्री आते थे, और राजस्व ग्राम से चलता था। इसके अनुसार यानी टैक्स जो लिया जाता था उससे चलाया जाता था। इसके अनुसार 100 गांवों का राजस्व भी इसमें मिलता था। अब समझ पा रहे हैं कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कितने गाँव इसको हेल्प कर रहे थे या फिर लाभान्वित कर रहे थे इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए। इप्सिन के अनुसार यहाँ 300 बौद्ध भिक्षु यानी विद्यार्थी और 200 गांव का राजस्व मिलता था। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ शिक्षकों की संख्या 1510 यानी 1510 थी। शिक्षक व छात्र अनुपात 1.10 था जो कालांतर में 1.6 हो गया था। ह्वेनसांग के अनुसार छात्रों की संख्या 10,000 थी। हर्षवर्धन के समय नालंदा पर पूर्ण राजकीय नियंत्रण स्थापित हो गया था। इसके इस विश्वविद्यालय को 100 ग्राम राजस्व के लिए दान दिए गए थे। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रवेश द्वार, मैं आपको और भी चीज बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताई गई है। जैसे कि ह्वेनसांग के समय नालंदा पर पूर्ण राजकीय नियंत्रण स्थापित हो गया था और इसके इस विद्यालय को 100 ग्राम राजस्व देने का दान संभाल रहे थे। इसमें प्रवेश प्रक्रिया यानी कि एडमिशन किस तरह से होता था, तो नालंदा में प्रवेश पाने के लिए व्याकरण यानी न्याय और अभिधर्म कोष का ज्ञान आवश्यक था। प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा होती थी और पंडित के द्वारा कठिन प्रश्न पूछा जाता था। 10 में से 2 या 3 छात्र ही मुश्किल से इस प्रवेश परीक्षा में सफल होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी, मंगोलियन, तिब्बती, कोरियन, मध्य एशिया आदि के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। साथ ही साथ इस पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्था किस तरह से की गई थी तो ये बताने के लिए स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि यह विश्वविद्यालय एक संबंधित संस्था थी जिसमें सभी महाविद्यालय और विहार भी संघ के समान कार्य करते थे।
प्रत्येक का संचालन एक परिषद के द्वारा किया जाता था। महाविद्यालय के अधिकारों या अधिकारियों में द्वारा पंडित यानी कि द्वार पंडित प्रवेश परीक्षा लेने वाला यानी धर्म कोष यानी कुलपति, कर्म ज्ञान उप कुलपति आदि अधिकारी थे। प्रत्येक महाविद्यालय और विहार की अपनी मुद्रा या स्टील होती थी जिस पर प्रायः धर्म चक्र उत्कीर्ण होता था। हिंसा के समय नालंदा का कुलपति शीलभद्र, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है कि हिंसा के समय नालंदा का प्रिंसिपल कौन था, तो या प्रिंसिपल बोल सकते हैं या चांसलर बोल सकते हैं, मुझे लगता है चांसलर ही बोलना, कुलपति चांसलर ही बोलना अच्छा होगा, वीसी जिसे बोल सकते हैं, शीलभद्र थे। नालंदा के विद्वान और आचार्य कौन कौन थे इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी सवालों में आते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय से कौन कौन विद्वान और आचार्य निकले। नालंदा के विद्वान और आचार्य अपने चरित्र से, आचरण विचार से, नैतिकता आदर्श विद्वता और गुणों से देव तुल्य थे। वे ज्ञान और पांडित्य के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध था। उनके सरचरित्र उज्जवल व निर्दोष था। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मपाल, चंद्रपाल, गणमूर्ति, प्रभाकर मित्र, अंग, शीलभद्र, वसुबंधु, जीन मित्र, भद्रसेन, शांति रक्षित आदि हिंसांग के समय नालंदा का कुलपति शीलभद्र था। मैं आपको ये बता दूं, ये जो आचार्यों के बारे में आप लोग ये पढ़ रहे होंगे आपको बिल्कुल यूनिक लगेगा, लेकिन जब आप इतिहास को और बारीकी से पढ़ेंगे तो इन सारे लोगों के बारे में ऐसा ऐसा आपको पता चलेगा कि इन्होंने अगर यहाँ से पढ़ाई किया है तो इनकी सोच, इनकी पढ़ाने की कला, उन्होंने इतिहास में अपना क्या योगदान दिया है। हालांकि सिर्फ एक ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सारी बातों को रखना संभव नहीं है, शायद कोशिश किया जाएगा कि हर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मपाल, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको नेक्स्ट पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिलती रहेगी। ये बस एक पूरे प्रेजेंटेशन का सार है जो आगे और कहा जा सकता है कि व्याख्या और बड़ी होगी और इसमें समीक्षा की जाएगी। सिर्फ यही एक मात्र पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, हर एक वीडियोस में बहुत सारी ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि हेनसांग योग शास्त्र का अध्ययन किया था। हेनसांग ने शीलभद्र को सत्य और धर्म का भंडार कहा जाता था। हेनसांग ने कहा, जब शीलभद्र मरे तब मैं चीन में भी वो उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उनका ये मानना था कि मेरे मुख से यही निकला कि आज ज्ञान का नेत्र बंद हो गया, संसार सागर से उतरने वाली नौका जाती रही। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हेनसांग जो है शीलभद्र के काफी गुणवत्ता के कायल थे, इसलिए उन्होंने इन सब बातों को सामने रखा। इत सिंह के समय यहाँ का कुलपति राहुल मित्र था। धर्मपाल, वीरम देव, चंद्रकीर्ति भी कुलपति रहे। नालंदा से जुड़े हुए शासक के बारे में मैं बता दूं कि नरसिंह बालादित्य ने नालंदा में 80 फीट ऊंची बौद्ध प्रतिमा बनवाई। नालंदा में कम से कम 8 कॉलेज थे। यशो वर्मा ने नालंदा में लेख लिखवाया था। हर्ष ने नालंदा के चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण करवाया था और यहाँ एक ताम्र विहार भी बनवाया। धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार करवाया और धर्मपाल ने यह भी व्यवस्था की कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की परिषद ही नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य देखे। देवपाल के समय जावा और सुमात्रा के शासक बाल पुत्र देव ने यहाँ पर एक मठ निर्माण करवाया। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि नालंदा में बाह्य देशों के भी बहुत सारे विद्वान आए, जैसे कि 18वीं शताब्दी में चंद्रगोमी, शांति रक्षित एवं कश्मीर के पद्म संभव तिब्बत में धर्म प्रचार के लिए नालंदा से आ गए थे। देवपाल के समय ज्ञानपाल व रतनश्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत गए थे। तिब्बत ने चीन जाने वाले विद्वान कमलसिल और कुमालजीव, धर्मदेव एवं गुण वर्मा, ये सब भी शामिल थे।
मैं आपको बता दूं कि नालंदा महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसके पाठ्यक्रम क्या क्या थे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मिलनी चाहिए। इसमें बौद्ध धर्म के 18 मतों के अलावा न्याय, चिकित्सा, योग, वेद और सांख्य दर्शन का अध्ययन किया जाता था। इसमें एक सिंपल सा मैंने नोट्स भी ऐड किया है, जिसका ये मानना है कि 12वीं शताब्दी से 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा को जलाकर नष्ट कर दिया था। नालंदा के अंतिम शासक सीलभद्र था, जो 1204 में तिब्बत चला गया था। इत्सिंग ने इस विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक ज्ञान अर्जित किया और चीन जाते समय अपने साथ 400 संस्कृत के ग्रंथ लेकर चला गया। तिब्बत के राजा गंपू ने अपने मंत्री थानवी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस विश्वविद्यालय में भेजा था। यह बिहार के पत्थरघाट पहाड़ी पर अंति चक्र में स्थित है। इसके स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल की उपाधि विक्रमशिया थी, इस कारण इसकी नाम विक्रमशिला पड़ा। यह कोसी व गंगा नदियों के संगम पर स्थित है, इस कारण यह विश्वविद्यालय मैं आपको ये इस वीडियो में, इस पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड में आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारियां दे दूं। मैं आपको ये बता दूं कि इस विश्वविद्यालय के प्रमुख विशेषता ये थी कि ये पाल शासक यहाँ के विश्वविद्यार्थियों या फिर विद्यार्थियों को तरकालकार व चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की गई थी। इस विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। केंद्रीय कक्ष को विग्रह भवन के नाम से जाना जाता था। यह विश्वविद्यालय तंत्र ज्ञान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह बोध शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र रहा है। इसमें न्याय, व्याकरण, तत्व ज्ञान आदि विषयों की भी जानकारी या शिक्षा दी गई है। सभी धर्मों में तेजवाद का अध्ययन इस विश्वविद्यालय का लोकप्रिय विषय रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में संबंधित महाविद्यालयों के आचार्यों को पंडित कहा जाता था। तिब्बत लेखक तारानाथ के अनुसार दक्षिण द्वार का द्वार पंडित प्रज्ञाकरमति, पूर्वी द्वार का द्वार पंडित रत्नाकर श्यामति, पश्चिमी द्वार का द्वार पंडित वर्गीश्वर कृति, उत्तरी द्वार का नारोपंथ था। तारानाथ के अनुसार प्रथम केंद्रीय द्वार का रत्न वज्र और द्रवितीय केंद्रीय द्वार का द्वार पंडित ज्ञानश्री मिश्र था। 11वीं शताब्दी में यहाँ के कुलपति दीपंकर अतीस तिब्बत गए थे। उन्होंने वहां राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया, जिसने विग्रहपाल व कलचुरी करने के मध्य कपाल की संधि करवाई थी। 1203 में यहाँ के कुलपति शाक्य श्रीभद्र थे। इसी के समय बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और शाक्य श्रीभद्र तिब्बत चले गए। ये भी एक इम्पोर्टेंट बातचीत का है, या आप बोल सकते हैं कि ये भी आप लोगों के डिस्कशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेसन है। नेक्स्ट आपके स्लाइड देख पा रहे होंगे, वल्लभी विश्वविद्यालय, ये भी एक बहुत ही चर्चित विश्वविद्यालयों में से जानी जाती है। इसकी स्थापना ध्रुव सेन प्रथम की बहन के पुत्र दादा ने किया करवाया था। यह विश्वविद्यालय वल्लभी गुजरात में स्थित है। यह बौद्ध धर्म की हीन यान शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है। वल्लभी में गणित, विधि, साहित्य की भी शिक्षा दी गई है। वल्लभी विद्या के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य रुधिरमति व गुणमति थे। अरब आक्रमणकारियों ने वल्लभी को नष्ट कर दिया। ये भी एक बातचीत का विषय है कि ये नष्ट किस तरह से हुआ। साथ ही साथ नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हैं, काशी यानी बनारस विश्वविद्यालय, यह वर्तमान में बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, जो यूपी में स्थित है। बनारस वैदिक काल में हिंदू धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। काशी में वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, ज्योतिष आदि की शिक्षा प्राप्त की जाती या काशी में वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती है। काशी का उल्लेख भविष्य पुराण में भी किया जाता है। अल बरूनी ने काशी
में हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया था। प्रसिद्ध कश्मीरी कवि श्री हर्ष ने नैषध्य चरित की रचना काशी में भी की थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे उदयंतपुरी विश्वविद्यालय, जो इसकी स्थापना पालवंश के शासक धर्मपाल ने 18वीं शताब्दी में किया था। यह विश्वविद्यालय हिरण्य प्रभात व पंचानन नंदी तट पर बिहार में स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान थे। इस विश्वविद्यालय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है इस उदयंतपुरी, इस विश्वविद्यालय की स्थापना पालवंश के शासक धनपाल ने 18वीं शताब्दी में किया था। यह विश्वविद्यालय हिरण्य प्रभात व पंचानंद नदी तट पर बिहार में स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान थे। इस विश्वविद्यालय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है कांची, इसकी स्थापना वल्लभ वंश के शासकों ने किया था। पल्लवों की राजधानी यह थी और कांची के प्रसिद्ध आचार्य महाकवि दंडिन वात्स्यायन और डिंड नाग ने किया था। कांची दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में आपको जानकारी आगे के नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विस्तार से मिलेगा। धन्यवाद। जय।